कम पे आ गया है, कम पे आ गया, कम पे आ गया है। मौजूद है इस टाइम इधर, मैं जरा इधर नू जा रहा सी, ते मैंने एक चीज़ नोट की कि गाड़ी को लगा जंप और गाड़ी पीछे से बारी नीचे बैठ गई है। मैं कि यार ए की तो इनू जब असं चुकेंगे तो आवर बैग इज गॉन। आवाज आई है आपको? Airbags, no more with us. Contact Ali Raza, air suspension. एक दफा फिर सुने, जैसे ऊपर उठाएंगे गाड़ी नीचे, like this. तो पीछे से गाड़ी मारी, आई मीन बैग हमारा फट चुका है। तो जी चिंगारी लाइफ स्टाइल सी ना, जी 2 million ते गई, माशाला ਇਹ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬੇਬੀ ਕਮ ਡਾਊਨ ਹੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਚਿੰਗਾਰੀ ਥੀ ਮਾਰੀ। ਤੋ ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਕਿ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗਾੜੀ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਭੀ ਕੁਛ ਹੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਕੌਲ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਅਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲੂਨ ਫਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਨਿਕਲਾ ਏਅਰ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ कि क्या है। पीछे से गाड़ी स्टैटिक है, तो अब स्टैटिक पे हम जाएं, हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास स्टैटिक कार है, ठीक है, हम ऊपर नहीं कर सकते, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्टैटिक कार एंजॉय करेंगे। और अभी कुछ थोड़ा सा मोटर में से उतर के हम देखते हैं कि कोई वर्कशॉप हो जहाँ से इसको थोड़ा सा डैक पे लगा के देखें कि नीचे हुआ क्या है। एक सू डैक मिले गाइज, डैक कि थले वेखिए होया की है, बट है बट डैक दे भी गाड़ी नहीं लग रही। रिवर्स लगाए बॉडी है मंडा, मैं चुकना गाड़ी तो तुम्हें पता लगेगा कि हवा किधो नहीं कर रही है, उस साइड तो आ रही है। चुको ये प्रेशर दे विच दी हां ली बैग ली गया। ओए पाइप लगा हुआ साथ बॉस। पता जनाब वही होया जिदा डर सी, मुझे लगा शायद पाइप लीक होगा, मतलब पाइप निकल गया होगा, नोजल लीक होगी, लेकिन द बैग इज ऑफिशियली नो मोर विद अस। जायजा लेने के बाद ये पता चलता है कि जो साइलेंसर का पाइप है वो बैग्स के साथ टच हो रहा था। तो जब एक बम्प आया है तब गाड़ी थी ड्रॉप, जब बैग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनफ्लेट होता है ना हवा भरती है, और डीफ्लेट, चलो खैर जी, जब बैग्स डीफ्लेट होते हैं तो वो वॉल्यूम में साइज में थोड़े से साइड से फैलते हैं। पाइप होता है गर्म, तो गर्म पाइप ने किसी तरह बैग को कर दिया वहाँ से वीक, पिघला दिया, और वहाँ से फिर बैग साहब जो है वो कहते हैं कि भाई ओके फिर सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो अब गाड़ी यहाँ से लाहौर लेके जाऊँ तो ना सोसाइटी में एंटर होगी, ना ही बैग बार बार रगड़ेगी, और वो सीन है बंद हो जानी। दूसरा ऑप्शन है गुजरांवाला की तरफ मोड़ लें और अली रजा के पास चलें, पता नहीं उसके पास बैग अवेलेबल होगा कि नहीं। फिर सबसे बड़ा मसला जो है स्टैटिक लाइफ पे गुजरांवाला जाना GT रोड पे इज ओए इज द वेरी ओए जलेबियाँ लगी ही बोस इज वेरी टफ जॉब ब्रो। मैं एंग 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 करते जाना अभी गाड़ी। अच्छा एक चीज़ और जो मैंने नोट किया, बैग लीक है लेकिन फिर भी उसमें अभी तक नीचे वाले में 20 तक एयर को कंट्रोल कर रहा है, 20 तक वाह किसी तरह मैनेज कर रहा है बैग, उसकी वजह से हमें ज्यादा बम्प नहीं लग रहा, मतलब स्टैटिक तो लग रही है गाड़ी लेकिन कदरे कम। फुल ड्रॉप हुई हो फिर तो चिंगारी होती जानी थी, बट अभी किसी तरह थोड़ा सा वो बम्प बर्दाश्त कर रही है और 20 पे उसने स्टेबल किया हुआ है बैग को। 20 से थोड़ी सी ऊपर उठाता हूँ फिर बैठ जाती है, तो आई डोंट नो ये क्या सीन है। बहरहाल जी ये हुआ है हमारे साथ, आज व्लॉग करने का बड़ा मकसद नहीं था लेकिन आज का व्लॉग अचानक शुरू हो गया है मोटरवे पे। यू आर माय सनशाइन, माय ओनली सनशाइन, यू मेक मी हैप्पी। स्टैटिक लाइफ गाइस, ओ स्टैटिक लाइफ। All the credit goes to Bittu bhai, मतलब not Bittu bhai exactly, but Bittu bhai के जो दो शकीर्द थे, शकीर्द ने देखा ही नहीं कि भाई तू पैप कितने ला रहे हैं, तेनू पता ही नहीं गड्डी दे थले बैग है, ते बैग तो थोड़ा जा दूर रखना सी। ए Bittu bhai नु कहने अंदर 40,000 सेंड करो एयर बैग्स आते,
पता नहीं कितने का एयरबैग है आजकल गाइस। यार मर्जी है, इतना सुकून था यार, हमारी लो राइडर परफेक्ट जा रही थी, परफेक्ट। बट कहते हैं कि हर चीज का एक एंड है, ठीक है, तो इट्स ओके गाइस, लाइफ। मैम डोंट नो, इट्स लाइफ, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। गाइस ये पुल याद है किसी को? ए पुल दे थले आ गए सी, इथों मैनुअल करदे हुंदे सी ते ठम 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 यार बड़ा बोरिंग कार है। अइया ए ए ए हेलो गाइस, रिस्क है, वहां से मुड़ेंगे हम। यू टर्न फ्रॉम द मोटरवे फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय एंटायर लाइफ। ए तुम देख लो, बबलू आ जाओ। बबलू कहता है मैं भी जाना है, तो टूल प्लाजे से मुझे पिक कर लो, बट बबलू इज लेट। यार तुम क्यों हो ऐसी, जाने मन जाने जिगर, तुम क्यों हो ऐसी? यहाँ बैठ के हम अपनी गाड़ी को इंजॉय करेंगे, इधर बैठेंगे। ओए बढ़िया, थोड़ा शुगल खेल। ये ले रही है हवा, ये ली यहाँ तक हवा ले रही है, इसके बाद ये है वापस खत्म। काम चार करो, ये बंदे ने मेनू अद्धा घंटा वेट कराया, रोटी लै गया ही मेरे। आई यार ऐसा दोस्त रखो, नहीं तो दोस्त ना रखो। तू मेनू अद्धा घंटा लेट कराया है, वट्टा फड़ा मेनू, वट्टा फड़ा, कोई वट्टा फड़ा, कोई वट्टा फड़ा मेनू, वट्टा तेरी ऐसी तेरी। यार मेरा शहजादा यार। गाइस रोटी खाएंगे मोटरवे पे, मोटरवे पे हुआ हादसा, बाल बाल बचे। पीछे से उठा रहा हूं मैं गाड़ी, ये आलू चीज, ओ माय गॉड, जस्ट चेक दिस आउट, यम्मी यम्मी। ओ बॉस गालियां ना दे भाई, पहले गाली दे दिया जस्ट पे और चले लाए हमारी अपनी गर्ल्स स्टाइल और इतने शॉट्स में छोड़ू मैं स्टाइल, मैं तेरा शौक तू मेरा नहीं भाई। ओके जी गाइस, वी आर ऑन द जीटी रोड, जो सबसे ज्यादा खौफनाक रोड अब है, तो लेट्स सी कि हमारे साथ बनता क्या है। ये ऐ चिंगारी ही होंदी है जाने सारे रास्ते, तो अल्लाह खैर करे। सानू कित्थे गड्डी चलानी पै रही है, बिकॉज उधर रोड खराब है, एक टायर कच्चे थे, दूसरा पके थे। गाइस देखें इस साइड पे माए हैं गाड़ी को लेके, चेक दैट, सब खड़े, सब चिंगारी, एवरीथिंग होता है रास्ते में। पता नहीं अली भाई मेरे से क्या करते हैं। द बॉयज हियर टू हेल्प मी ब्रो, प्लीज हेल्प मी। और मैंने हल्की सी वो चिंगारी की थी रिंग रोड पे, तो आप जो है ना मुद्दा तेरे इश्क दा चले तू ही पल्ले उदा कल्ले गल सरी बैठी हुई। ਸਲੰਸਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਲੀਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ। ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਗਾਈਸ, चिंगारी ने नहीं किया, नहीं ये भी चिंगारी से नहीं करती, ये भी कहीं लगा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें वो ये कोई इशू नहीं है, ये स्वयं सर ने किया सारा कुछ। नो मोर विद अस, सिंगर बर्गर है सड़ा हुआ सिंगर बर्गर। तुम्हारे साथ बड़ी अच्छी यादें गुजरी हमारी। तो भाईजान
ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਆਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਯਾਰ ਅਬ ਇਸ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਏਅਰ ਬੈਗ, ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਵਾਜ਼ ਗੁੱਡ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪਾਈਪ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਕਾ ਹਲਕਾ ਸਾ ਕਸੂਰ, ਹਲਕਾ ਸਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਤੋ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹਮ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਹ ਕੀਆ। ਹਮਾਰਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋ ਰਾਈਡਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਅਰ ਬੀ ਐਫ ਟੀ ਸੇ ਕਈ ਦਰਜੇ ਅੱਛੀ ਰਾਈਡ ਵਾਲਾ ਏਅਰ ਬੈਗ ਗਿਆ। ਅਬ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੂ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਸਟੈਪ ਯੂ ਨੋ, ਦੋ ਬੈਗਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਭ ਕੇ ਪਾਸ ਥ੍ਰੀ ਸਟੈਪਸ ਵਾਲੇ ਪੜੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਥ੍ਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਟੂ, ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹਮ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਸਾ ਜੁਗਾੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਸੇ ਗਾੜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਲਤੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਇਸਕੋ ਹਮ ਬਦਲ ਲੇਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਡਾਲ ਲੇਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦਾ ਹੋਲ ਸਟੋਰੀ। ਗੈਸ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਗਾਈਜ਼, ਐਂਡ ਗੈਸ ਦਿਸ ਕਾਰ ਗਾਈਜ਼, ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਲਟਾ, ਵੀ ਬੀਨ ਜੁਆਇੰਡ ਬਾਏ ਦ ਮਾਲਟਾ ਗਾਈਜ਼। ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਐਟ ਫਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਗਏ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਹੌਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਫੋਗੀ ਫੋਗੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਮ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮ ਜਾਏ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਕੋ ਹੇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੇਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੇ ਡਰੋਪਸ ਮੂੰਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ, ਹੱਥ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਲ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਅੱਜ, ਹਮਾਰੇ ਬਲੂਨ ਕੀ ਹਮੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੈਡਨੈਸ ਰਹੇਗੀ, ਬਟ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਕਾਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਔਰ ਆਪ ਸਰ ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਬਾਕੀ ਛੋੜੇ, ਸਿਰਫ ਮੌਸਮ ਦੇਖੇ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਗਿਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨਾ, ਤੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੱਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅ ਬਿਗ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਿਸ ਮੈਨ ਅਗੇਨ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਅਸਾਂ ਘਰੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਡਾ ਪਗਾਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਲਾਹੌਰ ਨਿਕਲੇਂਗੇ, ਫੋਗੀ ਮੌਸਮ ਮੇਂ, ਤੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਲੋਗ ਹਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਖਤਮ, ਗੁਜਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ, ਐਂਡ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਕੋਰਸ ਗਾਏ, ਕੋਰਸ ਗਾਏ, ਕੋਰਸ ਗਾਏ, ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਗਾਈਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ, ਇੰਸਟਾ ਪੇ ਡਿਟੇਲਸ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਫੋਗੀ ਉਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋ ਓ ਭੂਲ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਤੇ ਟੰਗ ਲਿਓ, ਨੋ ਮੋਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਹਮ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਕਾ ਅੱਛਾ ਸਾ ਬਣਾਏਂਗੇ ਗੁਲਦਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ, ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏਂਗੇ, ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੇ।